मध्य प्रदेश के बैतूल का एक युवक 11 दिन से लापता था। बैतूल कोतवाली पुलिस ने उस युवक की लाश को अब बरामद कर लिया है। वहीं युवक के परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पुलिस कर रही है। युवक की लाश को लेकर आशंका है कि युवक की हत्या कर उसकी लाश को दफन कर दिया गया था। पुलिस SDM की अनुमति के बाद लाश निकलवाकर पोस्टमार्टम करवा रही है। इस मामले में फिलहाल एक महिला समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कंपनी गार्डन आर्यपुरा का रहने वाला अक्षय की कल झगड़ाया के पास लाश मिली थी, जिसे आज निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। परिजनों से इस लाश की तस्दीक करवाई जा रही है। मालूम हो कि अक्षय पिछले 26 मई से लापता था, जिसको ढूंढने के लिए परिजन यहां वहां भटक रहे थे। उन्होंने कोतवाली पुलिस के अलावा पुलिस अधीक्षक बैतूल से भी अक्षय को ढूंढने की गुहार लगाई थी। छोटा भाई था मेरा, अक्षय गोहे संजू, उम्र 30 साल का। इसको ये क्या नाम इसका, पुष्पा खातरकर, इसने मरवाई है गुड्डू गरम के साथ मिलकर। और एक टीनू करके है, टीनू सावल मेंढा का है, गुड्डू गरम देशबंधु वाट का है। दोनों के साथ में मिलके इसको मारा कुटा है और फांसी दी गई है, क्योंकि इसकी जीभ भी निकली है बाहर। फांसी देके इसका मारा गया और यहाँ पे गाड़ दिया गया। अच्छा, कितने दिन से आपके भाई लापता था? 12 दिन से। क्या की बात था इन लोगों पर? कुछ नहीं है, दोनों का जाना हुआ वहाँ पे, तो ये कहता था कि यहाँ पे मत आना गुड्डू गरम, और कहना ये था कि यहाँ पे नहीं आना। फिर दोनों का एक साथ वहाँ पे देखे लोग ने, तो फिर झगड़ा हो गया दोनों का। वहीं बैतूल TI संतोष पंद्रे ने जानकारी देते हुए बताया है कि 28 मई को अक्षय की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही थी। और आज दो संदिग्धों से घटना के बारे में पूछताछ की गई है और उनकी निशानदेही पर अक्षय के शव को बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाश को भेज दिया गया है। 28 तारीख को मृतक जो है अक्षय गोहे, उनके परिजनों ने उसके घर से बिना बताए चले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिस पर थाना कोतवाली में गुम इंसान दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान आज प्रातः दो संदिग्धों से हिकमत अमले से पूछताछ की गई और उनके बारे में घटना की जानकारी मिली, और उनकी निशादेही से आज अक्षय गोहे के शव को अभी बरामद किया गया है और अब पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बैतूल भेजा जा रहा है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।